नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र दिगल। आप देख रहे हैं आदिवासी HD यूट्यूब चैनल और मैं हूं बसंत नायक के घर में, जो कि वो अपना स्टूडियो में आदिवासी मूवी के गाना बना रहा है। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे बसंत नायक जी है। तो मैं गाने के ओर चल रहा हूँ, जब भी आप वो गाना का शुरुआत करेगा, यह है बसंत नायक। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखते रहिए। ये गाना का पूरा जो गाना वर्तमान बसंत नायक जी गाएगा। दोस्तों, आपने सुना बसंत नायक का ये सॉन्ग। तो आइए जानते हैं बसंत नायक से। तो बोलिए बसंत जी, कैसा लगा, कैसा आपने ये टून मिलाया, कैसा गीत गाया, कहाँ से ये सब आपने आजमाया? एक्चुअली मेरा शौक तो बहुत बचपन से है और म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं दूसरे स्टूडियो में जाता था और दूसरे स्टूडियो में जाके
मैं गाना रिकॉर्डिंग करता था तो मुझे संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो गाना मैं लिखता था खुद और जो गाना लिख के मैं दूसरे स्टूडियो में जाता था, जैसे मैं चाहता था उन लोग ऐसे म्यूजिक दे नहीं पाता था, तो इसलिए मैं दुखी हो जाता था। और मेरा गाना क्या है कि मुझे ठीक नहीं लगता था खुद को सुन के, इसलिए मैं और स्टूडियो आजकल स्टूडियो में जो कि 5-6 हज़ार रिकॉर्डिंग के लिए लाता है, तो हम लोग क्या है कि बागान में काम करते हैं और हजरा करते हैं, तो हम लोग के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम दूसरे स्टूडियो में जाके गाना बनाएं। तो मैंने ठान लिया कि एक बात को कि क्यों ना मैं भी गाना बनाने के लिए सीखूं, और जो भी हो तो मैं बहुत कम से शुरुआत किया, जैसे कि मैं एक छोटा लैपटॉप लाया और छोटा लैपटॉप से ही मैं घर पे क्या किया, मैंने सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ख़रीदा एक भाई से जो कि नेपाल में है, उसका नाम है साजन, तो उससे ख़रीद के मैं क्या किया कि मैं खुद FL स्टूडियो से, जब मैं FL स्टूडियो में काम, तो मैं कैसे बनाऊँ म्यूजिक, कैसे क्या करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो यूट्यूब पे देख के और वो भाई ने मुझे गाइड किया, तो ऐसे करते 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 मेरा रात 12 बजे 1 बज जाते थे, और मैं ऐसे करते करते म्यूजिक का भेद को मैं समझा कैसे बनाते हैं, कैसे बीट बनाते हैं, तो ऐसे करते करते थोड़ा बहुत करते करते मैं थोड़ा म्यूजिक बनाने सीखा, और मैं एक एक सामान करके ख़रीदा भी, जैसे कि मैं उसके बाद CPU लाया, CPU उसके बाद मेरा पास मॉनिटर नहीं था, जो ओल्ड वर्सन का पहले था जो TV का सिस्टम, वो उसमें से मैं मॉनिटर को यूज़ किया और अभी भी है, पड़ा हुआ है, तो मैं एक मॉनिटर भी ख़रीदा जो SR का है, और साउंड सिस्टम मेरा मॉनिटर स्पीकर नहीं है, लेकिन एक भाई ने मुझे जब गाना गाने के लिए तो वो भाई ने मुझे गिफ्ट किया, वो मॉनिटर को लेके अभी फ़िलहाल जितना मेरा पास है अभी उतने में से अभी ये गाना को मैंने प्रिपेयर किया हूँ, और अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा सेटअप जो एक स्टूडियो का सेटअप होता है वो सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मेरा उम्मीद है और मेरा एक आशा है कि वो सेटअप भी एक दिन कंप्लीट होगा और मैं अच्छा एक प्रोफेशनल म्यूजिक कंपोजर बन सकूंगा बोल के मेरा एक विश्वास है। तो इतना ही मैं बोलूँगा, और जो भाई बहन सब देख रहा है अगर देखेंगे ये वीडियो को तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना, बहुत सारा कमेंट करना, क्योंकि ये हम लोग का शुरुआत है, ये हम लोग का फाउंडेशन है, तो आप लोग का भी, हम लोग का क्या है कि आप लोग का भी सहायता हम लोग के ऊपर चाहिए, क्योंकि आप लोग के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। आप लोग का सपोर्ट क्या चाहिए, आप लोग हौसला देते रहिए, लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए, बस हम लोग के लिए इतना ही काफ़ी है।